नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। लोग रूप देखते हैं, हम दिल देखते हैं। लोग सपने देखते हैं, हम हकीकत देखते हैं। लोग दुनिया में दोस्त देखते हैं और हम दोस्तों में दुनिया देखते हैं। जी हाँ, ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती। दूसरों के बनाए रास्तों पर चलकर आप सुरक्षित भले रह लें, पर मंजिल पाने के लिए रास्ते खुद बनाना सीखें। आप भी खुद अपना रास्ता बनाइए, किसी के पीछे पीछे मत चलिए। अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। आप भी सबको दिखा दो कि आप किसी से कम नहीं हो। इंसान कुदरत की सबसे खास कृति है, वो हमेशा अपनी कल्पना को अपनी शक्ति से आगे तक ले जा सकता है। आधा रास्ता चलकर वापस लौटने की कभी मत सोचिएगा, क्योंकि आपको लौटने के लिए भी उतनी ही राय तय करनी पड़ेगी जितनी मंजिल तक जाने के लिए। बढ़ाते रहो कदम अपने, कभी पीछे मत हटना, मिल जाएगी मंजिल तुझको, हौसला अपना बुलंद रखना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए शुभ रंग रहने वाला है नीला यानी कि ब्लू, और शुभ अंक रहने वाला है 7। आज जो है आपको अपने काम पर बहुत ही ज्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ सकती है। कुछ मसले ऐसे भी हो सकते हैं जो केवल आप ही सुलझा सकते हैं और कोई नहीं सुलझा सकता। अपने ईगो और अपने मतभेदों को दूर रखकर अपने काम को प्राथमिकता सबसे पहले दीजिएगा। आज कई लोग फैसला लेने के मामलों में आप पर निर्भर भी रह सकते हैं, ये तो अच्छी बात है आपके लिए। आपके रिश्ते आज आपकी कुछ बातों से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए आपको अपनी बोल चाल में थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। अपने लोगों के साथ अपनी बातचीत खुले दिल और दिमाग से करें। अपनी जो चीजें हैं उनको खुलकर बताइए कि आप क्या चाहते हैं। आज जो है चंद्रमा का संचरण और राशि स्वामी मंगल की लाभ भाव में स्थिति बहुत ही उत्तम ग्रह स्थिति बना रही है। ज्यादातर जो ग्रह हैं आपको बहुत कुछ बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सब चीजें जो है किसी भी तरह से आपको मिल सकती है। इसीलिए समय का भरपूर फायदा उठाइए, सदुपयोग करिए तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। राशि में स्थित चंद्रमा कभी कभी भावुक मनः स्थिति बनाएगा आज के दिन, जिसकी वजह से कोई फैसला डावाडोल भी हो सकता है, आलस्य भी हो सकता है, जिसकी वजह से कोई काम भी आपका टाल सकते हैं आप। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना ही होगा आज। स्टूडेंट्स के लिए जो समय है वो थोड़ा मिला जुला कहा जा सकता है। आज का दिन जो है आपकी कुशलता और योग्यता के प्रदर्शन के लिए भी हर तरह से अनुकूल दिख रहा है, ऐसे योग बने हुए हैं। आपको अपने सहयोगियों से तारीफ मिल सकती है, और हाँ आप क्योंकि हैं ही हकदार इसी के, आपकी कुछ योजनाओं को लोग सराह सकते हैं। आपके लिए समय जो आज का है अपनी निजी उन्नति और आर्थिक सुदृढ़ता पाने का है, यानी जो आप चाहते हैं वो आज से ही अभी से शुरू करें तो निश्चय ही सफलता मिल सकती है। आपको अपने लोगों को बेहतर तरीके से संभालना होगा, इसे आपके रिश्तों में जो है और भी ज्यादा प्रगाढ़ता आने की संभावना दिख रही है। आजकल आपका अपने खुद के ऊपर विशेष ध्यान देना आपके व्यक्तित्व को निखार रहा है। आजकल कुछ आप खुद अपनी पर्सनालिटी को निखारने के भी भरसक प्रयास कर रहे हैं, अपनी लुकिंग अपने स्टाइल को भी चेंज कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है अन्य क्षेत्रों में भी उन्नति के लिए प्रयासरत है। वक्त आपके पक्ष में ही रहेगा आज के दिन। आज आप अपनी प्रभावशाली वाणी द्वारा परिस्थितियों को ज्यादा अपने पक्ष में करने के लिए सफल रह सकते हैं, यानी आज आप अपनी मधुर वाणी से अपने चीजों से जैसे आप दूसरों को बताते हैं उसे अब काफी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। जैसे आपके जो काम हैं वो जल्दी से बनते चले जाएंगे और लोग भी आपकी बात मान लेंगे। कभी कभी आपका अत्यधिक स्वार्थी हो जाना मित्रों के साथ संबंध आज बिगाड़ सकता है। याद रखिए मित्र बार बार नहीं मिलते, इसलिए आप स्वार्थी मत होइए, उनसे दिल से रहिए, दिल के साथ आप बातें करें।
आज किसी यात्रा या घूमने फिरने से बचना होगा, कहीं भी बाहर मत जाइए, खासकर बूढ़े और बच्चे मत जाइए तो बेहतर होगा। कोई लाभ तो नहीं होगा बल्कि काम का नुकसान भी हो सकता है। अधिक भावुकता से भी आपको आज आपको जो है वो बचना होगा। आज जो है आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत दिन खास रहने वाला है, क्योंकि खास लोगों से मुलाकात हो सकती है या फिर किसी पुराने दोस्त का आज फोन भी आ सकता है, जिसकी वजह से है आज का जो दिन है आपके लिए यादगार साबित हो सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। पति पत्नी की आपसी संबंधों में आज मधुरता दिख रही है। फिजूल के प्रेम संबंधों में अपना समय बर्बाद ना करें, यानी कि अगर आप सीरियस हैं तभी आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाइए, वरना ऐसे फ्लर्टिंग करने से कोई भी खास फायदा नहीं देखने को मिलेगा, उल्टा समय की बर्बादी होगी। अपने प्रेमी को उन्हें विशेष महसूस करवाने के लिए उन्हें एक व्यक्तिगत नोट लिखें, यानी कि आप सोशल साइट्स के द्वारा भी उन्हें SMS कर सकते हैं या फिर आप लेटर भेज सकते हैं। आज पति पत्नी के संबंध सौहार्दपूर्ण भी रहेंगे। घर में मेहमान का आगमन वातावरण को मनोरंजन बना सकता है, या फिर कोई खुशी की ऐसी खबर मिल सकती है जिसे वातावरण में खुशहाली छा जाए, जैसे मांगलिक कार्य संबंधी योजना भी बन सकती है। आज अपने अहंकार को अलग रखिएगा, क्योंकि ये आपके रिश्ते के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जहाँ अहंकार होगा रिश्ते में वहाँ कभी भी रिश्ता ठहर नहीं सकता। इसीलिए रिश्ते को संजोए रखिए, जैसे माला में मोती होते हैं। बढ़ते हैं आगे हम करियर और बिजनेस की तरफ। तो आज करियर और बिजनेस कहता है कि नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी जॉब बदलने के लिए कोशिश ना करें, क्योंकि जहां भी जाएंगे परिस्थितियां नहीं बदल सकती हैं। इसलिए प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है उसी पर कार्य करें जहां पर आप अभी जॉब कर रहे हैं। किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप ना होने दें। अगर कोई बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप करता है तो इससे आपको ही नुकसान हो सकता है, या फिर आपसे बॉस भी नाराज हो सकते हैं। आपको काम पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपकी टीम को आपके आसपास रहना बेहद पसंद है। अपना कम्युनिकेशन बहुत ही स्पष्ट रखें, साफ रखें, जिसे दूसरों को समझने में आसानी हो सकती है। कार्यस्थल से भेजे गए माल की किसी वजह से वापसी भी हो सकती है। किसी वजह से कोई नुकसान छोटा मोटा आपको उठाना पड़ सकता है। आपको हर चीज का ध्यान रखना होगा। अपने कस्टमर की थिंकिंग का, कस्टमर की डिमांड का अच्छे से ख्याल रखिए, तो बेटर रिजल्ट आपको बिजनेस में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे बहुत से जो लोग जो हैं वो जुड़ सकते हैं, कस्टमर नए बन सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्ति भी ध्यान रखिए कि कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे आपको बॉस की जो है नाराजगी सहनी पड़े। इसलिए बॉस को कुछ करने के लिए वही काम करें जैसा कि उन्होंने बोला है आपको। आपके जो व्यापारिक विचार हैं उनको आपकी भागीदार द्वारा अप्रूव किया जा सकता है। फाइनेंशियल मामलों में आप काफी समझदारी से काम लेंगे। आज आप काफी हद तक सेविंग्स कर पाएंगे, चाहे वो जॉब कर रहे हैं चाहे वो बिजनेसमैन है। काफी हद तक सेविंग्स होगी जिससे आने वाले दिनों में आप लोगों को जो है बहुत ही फायदा देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्वास्थ्य की तरफ। आज जो है आप में से काफी हद लोगों का जो स्वास्थ्य है वो बेटर और ठीक रहेगा। थोड़ी आलस की स्थिति बनी हुई है ऐसे सितारे कह रहे हैं, और आराम ज्यादा करने का मन भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा आलस शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दांत से रिलेटेड समस्याओं का इलाज आज आप करवा सकते हैं जिस बीमारी से आप पहले से परेशान थे। वहीं आज मौसम के बदलाव की वजह से भी सिर में भारीपन हो सकता है। वैसे तो स्वास्थ्य ठीक है, चिंता ना करें। शरीर में गर्मी हो सकती है जिसकी वजह से जो है आप बहुत ही अजीब सा महसूस कर सकते हैं, इसलिए आपको ठंडी चीजों पर भी थोड़ा जोर देना चाहिए। टखने की मोच उत्पादकता को प्रभावित कर सकती है। आप में से कुछ लोगों को जोड़ों का दर्द भी आज हो सकता है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो चलिए बात करते हैं आज के उपाय के बारे में। आज आपके लिए विशेष उपाय तो सबसे पहले ये रहेगा कि आज आपको गायत्री मंत्र या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए,
और साथ ही साथ में अगर आप हल्दी और चंदन का तिलक अपने ईष्ट देव जिसको भी आप मानते हैं उसको लगाते हैं तो बेहद अच्छा रहेगा। साथ ही साथ में अगर आप दान पुण्य करना चाहते हैं तो गुप्त रूप से दान कीजिए। मैं हमेशा से हर बार यही कहती हूँ कि दान गुप्त करें, और हाँ अगर आप दान अन्न का करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।